जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं सोनू कुमार मिश्रा, आपने टाइटल पढ़ा होगा गुरुकुल का लास्ट दिन। दोस्तों मैं 7 साल गुरुकुल में रहा हूँ और गुरुकुल में देखो मज़े भी आए, कभी कभी बहुत सा उदास भी हुआ, कभी बहुत खुश भी हुआ। और तो और जो गुरुकुल का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही बेहतर रहा, बहुत ही गजब रहा, क्योंकि अभी मैं 20 साल का हूँ और अपने 20 साल में मैंने 7 साल अपने गुरुकुल में काटे हैं। मैंने गुरुकुल का जीवन यार सुपर जीवन है, मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास यदि कोई बच्चा हो, आपने यदि गुरुकुल का अनुभव नहीं लिया है तो अपने बच्चों का गुरुकुल में भेजो, वहाँ का पढ़ाओ। गुरुकुल का मैंने पहले दिन का वीडियो बना कर डाला हुआ है, मतलब रिकॉर्ड करके डाला हुआ वीडियो का बनाना, नॉर्मल अपने बातों को रखा हुआ है। लास्ट दिन में मैं चाहता हूँ कि पहले दिन बनाते हैं तो लास्ट दिन का बना दो, बीच का तो बनते ही रह गया यार। लास्ट दिन क्या हुआ, हम लोग का एग्ज़ाम था 12th क्लास का, बोर्ड एग्ज़ाम होता है हमारे 12th में, तो 12th क्लास में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर हम लोग अपने रूम में आए, मैंने ड्रेस चेंज किया, मैंने मेरे दोस्तों ने ड्रेस चेंज किया। ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोग जब शुरू में गए थे ना पहले दिन, तो 14 बच्चे थे, 14 और फिर 4 बच्चे और बाद में भी आ गए थे, 18 बच्चे थे। जो 18 बच्चों में 14 बच्चे तो ऐसे थे जो गुरुकुल में रहते थे, छात्रावास में हम लोग साथ में रहते थे, और चार या एक दो बच्चे बाहर से आते थे, बाकी बच्चे गुरुकुल में थे। बहुत से पहले की बात है, उतना ध्यान में तो है, पर 14 ऐसे कुछ करके थे। जब हम लोग 12th क्लास में पहुँचे तो हम लोग सिर्फ बच्चे 3, एक मैं था, 2 और मेरे दोस्त थे, और 3 बच्चे जो शुरू के थे हम लोग में 6th क्लास में थे, 3 बच्चे बाहर से आते थे। तो 3 बच्चे हम बच्चे गुरुकुल में, तीनों गए, हम लोगों ने अपना ड्रेस चेंज किया जो हमारा गुरुकुल का था, कुर्ता पजामा, और हम लोगों ने नॉर्मली जो सिविलियंस के कपड़े होते हैं ड्रेस होते वही उन्होंने पहन लिया, पैंट शर्ट। और उसके बाद हम लोग गए खाना खाने, एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, खाना खाने बैठे। तो खाना खाने से पहले क्या हुआ था ना, कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमसे जूनियर्स थे, और लेकिन जो हमारे मैनेजर थे, नए नए मैनेजर आए हुए थे, जो हमारे शुरू में मैनेजर थे वो तो चले गए थे वहाँ से, लेकिन जो एक नए मैनेजर थे उनसे उनकी कुछ वैसा वैसी हो गई थी, उन बच्चों ने उनको चिढ़ा उड़ा दिया था कुछ ऐसा करके। तो वो तो पता ही होगा आप लोगों को बच्चों को, कि आपने किसी को डांटा तो बच्चे आपसे बदला लेने की पूर्ण कोशिश करते हैं कि जब भी टाइम मिले तो इसको तरकाया जाए कैसे ना कैसे करके। तो वही हुआ, फिर उन बच्चों से उनकी वैसा वैसी हो गई, और जो है उस कारण क्या हुआ कि वो उनका जो है दिमाग बदल गया, नाराज हो गया बच्चों से कि बच्चों ने मुझे जो है ऐसे कैसे कह दिया, कुछ कह दिया होगा उन्होंने। तो हम लोग खाना खा रहे थे, वो आए और कह रहे कि 12th क्लास का पेपर हो गया, तो हमने कहा जी अंकल जी हो गया, हम अंकल जी कहते थे उनको, तो उन्होंने कहा कि निकल लो, मतलब हम खाना खा रहे थे, उन्होंने ऐसे कह करा निकल लो यहाँ से। तो 2 बच्चे थे मेरे साथ, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा और मेरे मुँह से निकल गया, क्यों अंकल जी ऐसा खाना नहीं खाया, आप बताओ तो खाना भी ना खाए छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे कह रहे सोनू तुम क्यों बोल रहे हो, मैंने कहा यार बोलने वाली क्या बात है अंकल जी, आप ऐसे कह ही रहे हो तो क्या करूँ, अब खाना खा रहे हैं ना, आप कहो तो खाना छोड़ के चले जाते हैं ना, जैसे आपकी इच्छा। तुमने कहा आप ज़्यादा बोल रहे हो सोनू, चुप रहो। मैंने अंकल ज़्यादा तो आप बोल रहे हो कि अब हमें खाना भी नहीं खा रहे, पेपर हो गया, हमें पर घर थोड़े बस आ रहे अपना, चले जाएंगे यहाँ से। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं यार, दादा आ गए हमारे भंडारी दादा, मतलब मेरे और अंकल जी थोड़ा बैसे बैसे होने लग गए, तब तक जो भंडारी दादा थे हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, वो आके मुझे बोलने सोनू शांत हो जाओ कोई बात नहीं। मैंने कहा दादा ठीक है मैं शांत हो जाता हूँ, मैं उनसे लड़ना थोड़ी ना मैंने, लेकिन ऐसे कई रात में क्या करूँ। फिर मैं चुप हो गया और हम लोगों ने खाना खाया, रूम में गए, हमने पैकिंग तो पहले से ही कर रखी थी कि हॉस्टल में क्या होता है कि बच्चों के बस तो थोड़ा सा मतलब यही है कि टाइम मिलना चाहिए उनके पास बाहर जाने का, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ऐसी बंदिश लगी होती है कि आप बाहर ही नहीं जा सकते बिना पूछे। आपके पास जो 4-5 रूम है उसी रूम में रहना है अपने, एक रूम आपका होता है उसमें, एक रूम में 10 बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ रहना होता है। तो हम लोगों ने पैकिंग तो पहले से कर रखी थी कि हाँ घर जाना है घर जाना है, हम गए पैकिंग कर ही रखी थी हम लोगों ने, पैकिंग को जो है थोड़ा ठीक कर लिया, मुँह हाथ पोछ लिया हम लोगों ने। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन लिख कर उनके पास गए। वैसे मेरा मन नहीं था एप्लीकेशन लिखने का, मैंने कहा कि एप्लीकेशन क्या लिखना, आप जाइए तो एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी एप्लीकेशन मैंने लिखा उनसे, उनके पास गए तो उनसे कहा अंकल जी साइन कर दो। अब ऐसा वैसे तो हो ही गई थी, एक तरह से नाराजगी तो हो ही गई थी मन में, और फिर उनके पास जाए कैसे। तो फिर भी डरते डरते मैंने, मतलब शर्म तो लगी रही थी, इतने बड़े थे, उनसे बहस मुझे नहीं करना चाहिए था,
आफ्टर मैंने किया था क्योंकि उस टाइम पर कुछ ऐसा माहौल ही बन गया था यार। तो उन्होंने साइन कर दिया एप्लीकेशन पे, और फिर उन्होंने कहा ठीक है अंकल जी, तो एप्लीकेशन को आपके पास रख दे, गार्ड को दे दें। तो उनका गार्ड को दे देना, नहीं उन्होंने कहा था कि मेरे पास रहने दो, तुम जाओ बस। तो हम तीन जी वहाँ से निकल लिए छात्रावास को अलविदा कहकर। बक्सा वगैरह हम वहीं छोड़ दिया था, कि मैंने कहा था चलो बक्सा एक दिन बाद आकर उसको जैसे होगा ठिकाने लगा के घर चले जाएंगे। उस दिन घर पर आ गए, गाय रोड रोड में बस वगैरह पकड़ी, बस घर पर आ गए नॉर्मली। तो अंतिम दिन तो हमारा ऐसे ही गुजरा मित्रों।